जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आर यू कैसे हैं सर। आज हम लोग 7.1 एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट टाइम हम लोगों ने 5 तक पार्ट कर लिए थे, अब नंबर 6 पार्ट है। एक्स ओवर 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x ओवर x माइनस क्या आ गया, और कंडीशन उसने आगे क्या दी हुई है, x इज नॉट इक्वल टू 2। ये कंडीशन है, इसका मतलब है कि आपके पास लास्ट में आफ्टर सॉल्यूशन जो आंसर है वो 2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 में दो टाइप के सवाल है। 1 से लेके 5 तक हम लोगों ने पार्ट किए वो टाइप नंबर 1 थी, 6 से लेके 10 तक टाइप नंबर 2। कैसे पता चला, अब 6 पार्ट देखें, इन डिनोमिनेटर x है। फर्स्ट 5 पार्ट आप देखें वहां पे उनके 5 के 5 पार्ट्स में डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं, कोई भी वेरिएबल नहीं है। 1 से लेके 5 पार्ट तक टाइप नंबर 1, 6 से लेके 10 पार्ट तक टाइप नंबर 2। पहचान मैंने पहले बता दी है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट 5 पार्ट आप देखें उनके डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है। 6 से देखिए 10 तक देखें, हर पार्ट में के डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिया। अब इसका मेथड भी सर थोड़ा सा चेंज होगा। अब यहां पे आप लोगों ने क्या करना है, इन डिनोमिनेटर जितने भी डिनोमिनेटर होंगे उनको पहले आपने सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई मतलब कोई नंबर या वेरिएबल कॉमन आता है तो कॉमन ले लें, या फॉर्मूला यूज होता है तो फॉर्मूला यूज कर। फर्स्ट देखें x ओवर, इसमें से क्या चीज कॉमन आ गया 3, और ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 2 इज इक्वल 2 माइनस 2x एलजीज ओवर। यहां पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, कोई नंबर या वेरिएबल कॉमन नहीं है, तो ये आपके पास एल। हमेशा आपने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई नहीं। अब देखिए डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो गया, अब हम लोगों ने वही स्टेप कर लिया एलसीएम। अब हम लोग इनका एलसीएम नंबर्स का और वेरिएबल की टर्म्स, पहले हम नंबर लिखे, नंबर क्या है 3, फिर वेरिएबल की एक्सप्रेशन एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 रिपीटेड है तो वन टाइम लिखेंगे 3 1 3 एक्स माइनस 2 है, और x माइनस 2 1 द x माइनस 2 एलसीएम को मल्टीप्लाई करते 3 इंटू क्या आ गया x माइनस 2, ये आपके पास क्या आ गया एलसीएम आ गया, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू x माइनस 2 ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू x माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स। अब एवरी टर्म किसे मल्टीप्लाई हो जाएगी एलसीएम से, 3 इंटू x माइनस 2 इंटू x ओवर 3 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल 3 इंटू x माइनस 2 इंटू क्या आ गया 2 माइनस 3 इंटू x माइनस 2 टू एक्स ओवर क्या आ गया x माइनस 2। जितनी भी टर्म्स थी दोनों साइड्स पे हम लोगों ने उसको एलसीएम से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब हम लोग कटिंग करते 3 3 से कैंसिल, x माइनस 2 x माइनस 2 से कैंसिल, ये राइट हैंड साइड पे ये भी क्या हो गया कैंसिल। अब आपके पास बाकी जो वैल्यू रहेगी यहां पे x आ गया इज इक्वल, ये जो 3 है किससे मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, दोनों नंबर्स हैं 3 2 दा 6 इनटू x माइनस 2 माइनस 3 2 दा, ये 3 किससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से, 3 2 दा 6x बाय ओपन द ब्रैकेट x इज इक्वल
सिक्स एक्स माइनस सिक्स होता 12 माइनस क्या आ गया 6x, 6 पहले x से मल्टीप्लाई हो गया 6x, 6 टू द 12। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि सेम नंबर हो, सेम वेरिएबल हो, बट ऑपोजिट साइन, उनके साइन क्या हो, ऑपोजिट हो, तो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ये 6x प्लस का और ये माइनस का आपस में क्या हो गया, कैंसिल, दोनों सेम है बट ऑपोजिट साइन, ये माइनस ये प्लस, तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 12। तो यही आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल क्या आ गया, माइनस 12। एक चीज बता दूं, लास्ट पे ये जो कंडीशन दी थी x इज नॉट इक्वल टू 2, मैंने क्या बोला था कि इसके इक्वल आंसर नहीं आना चाहिए, अगर इसके इक्वल आ जाता तो सॉल्यूशन सेट क्या होता, एम्प्टी सेट, क्या क्या होता वो, एम्प्टी सेट, कब, जब इस कंडीशन के मुताबिक आंसर आ जाए, इक्वल आ जाए, अगर नहीं आएगा तो ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट। ये पार्ट नंबर 6। अब इसके बाद पार्ट नंबर 8, सिक्स टू द 12x,
सिक्स टू से क्या हो गया 25, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस क्या आ गया कि 2 ये 1 है, 2 1 का 2 ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 1 इज इक्वल यहां पे क्या आ गया 5 इंटू एक्स माइनस 1। नंबर हम लोग हमेशा पहले प्लस क्या आ गया 12। अब ब्रैकेट ओपन कर 12x 2x माइनस 2 1 का 2 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x 2 1 का 2 इज इक्वल 5x माइनस 5 1 का 5 प्लस क्या आ गया 12। डिनोमिनेटर आता हूं ब्रैकेट ओपन हो गई वैल्यूज क्या हो गई सिंपलीफाई। अब हम लोगों ने शफलिंग करना है x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड विदाउट x वाली राइट हैंड साइड 12x प्लस 2x ये 5 प्लस क्या है यहां पे क्या हो गया माइनस 5x इज इक्वल। अब बाकी वैल्यू लेके चले जाए माइनस 5 प्लस 12 प्लस क्या आ गया 2 प्लस माइनस कर 12 प्लस 2 माइनस 5 क्या आ गया 9x इज इक्वल टू क्या आ गया 9। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x 9 मल्टीप्लाई यहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड x इक्वल टू क्या आ गया 9/9 इसको डिवाइड किया कटिंग की 9 1 9 9 1 9 आंसर किसके इक्वल आ गया 1 के। अब यहां पे मैंने क्या कहा था कि कंडीशन के मुताबिक आंसर नहीं आना चाहिए, अगर आ जाए अभी आ गया तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया एम्प्टी सेट। ठीक है जी, जब आंसर जो है कंडीशन के मुताबिक आ जाए तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया एम्प्टी सेट आ गया। ये पार्ट नंबर 8 हो गया, हमें आपको पार्ट नंबर 10
हर वैल्यू को एलसीएम से क्या कर दिया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई आप कटिंग कर x plus 2 कैंसिल, 3 1 द 3, 3 2 द 6, ये 6 6 से कैंसिल, ये x plus 2 x plus 2 से कैंसिल, 2 1 द 2, 2 3 द 6। अब वैल्यू क्या आ गई, ये 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 इज इक्वल, यहां पे सिंपल क्या आ गया, x plus 2 1 है, ये भी 1 है, देखिए 1 1 तो ओपन किया ब्रैकेट तो x plus क्या आ गया 2, माइनस क्या आ गया 3। अब x वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे, विदाउट x वाली राइट हैंड साइड, यहां देखें ये 2, ये x इधर आएगा माइनस x, 2 माइनस 3, ये 4 प्लस का यहां पे क्या हो गया माइनस, तो माइनस x इज इक्वल, माइनस x इज इक्वल, अब आप इसको प्लस माइनस कर देंगे तो क्या आ गया माइनस 5। दोनों साइड में जब सेम साइन हो ये आपस में क्या हो गया कैंसल हो गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। कंडीशन के मुताबिक आंसर नहीं आया तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास 5। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगेन वही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आता है, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर जाके तब तक ये मैथ आपको अच्छी तरह नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।